हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लास इन टूडेज़ क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज विच आर इम्पोर्टेंट इफ़ यू वी सी योर पेपर परस्पेक्टिव एंड द अनादर थिंग इज इन दिस सेशनज नाउ वी विल पिक फ्यू बंचेस क्लियर सो दैट यू कैन फील कि हमारा ये टॉपिक हो गया है ठीक है इसमें से हमें ये वाले क्वेश्चन कर लिए हैं डिफरेंट टाइप के ये वाले टॉपिक में से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं सो आज का भी आपका जो सेशन है इट्स अ मिक्स्ड बैक ऑफ क्वेश्चंस, बट बेसिकली कौन कौन से टॉपिक्स आज मैंने पिक करे हैं बच्चे आज प्रोस्पेक्टस ऑफ कंपनी लॉ दूसरा मैंने करा है विसल ब्लोइंग को प्रोस्पेक्टस जो है आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है इफ़ वी सी फ्राम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू चाहे आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जब कभी भी आप कंपनी लॉ देखते हो ना तो उसमें फॉर श्योर sure होता है कि एग्जामिनर आपको प्रॉस्पेक्ट्स में से क्वेश्चन डालेगा ही डालेगा क्लियर अगर हमें पता ही है कि प्रॉस्पेक्ट्स का टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें करना चाहिए ना उसे छोड़ना हमें है ही नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ना तो आज का जो आपका सेशन है इसमें आपके जो काफ़ी क्वेश्चंस प्रोस्पेक्टस के कवर हो जाएंगे क्लियर एंड उसके अलावा हमने देखा है एक विसल ब्लोइंग विसल ब्लोइंग का आपके सिलेबस में दो तीन बार जिक्र करा हुआ है ठीक है अब आ, हमारे पास सिलेबस है जो टॉपिक्स हम देख रहे हैं कि वहाँ पे रिपीटिवली लिखे हुए हैं तो उनको तो हमें बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है ठीक है तो आज हम स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन प्रोस्पेक्टिस में से करेंगे उसके बाद हम विसल ब्लोइंग का जो टॉपिक है वो कवर कर लेंगे थ्रू अवर एम क्लियर चलते हैं पहले एम के ऊपर एज यू नो आपका जो एग्जाम पैटर्न आप अगर पुराने पेपर्स उठाओ तो दैट इज मोर ऑफ सेक्शन बेस्ड क्लियर और इतने सेक्शंस हैं आपके क्या क्या करोगे तो हमने इसके लिए भी ट्रिक रखनी है वो कौन सी ट्रिक है जो इम्पोर्टेंट है उसको तो आपने बिल्कुल याद करके जाना है वो हमने छोड़ने ही नहीं है क्लियर सो so, सबसे पहले आपका कहता है कि विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट्स दैट सेबी हैज पावर टू रेगुलेट इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज कहा पे जो आपकी सेबी है क्लियर सेबी इज अ बॉडी विच रेगुलेट्स द शेयर्स ठीक है वहां पे जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं सेबी के पास वो अपने शेयर्स बताते हैं ठीक है थीके? और सैबी की क्या ड्यूटी बनती है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करता है ठीक है तो कह रहे हैं कि कौन से आपके सेक्शन में ये चीज बताई हुई है कि सैबी हैज द पावर टू तो रेगुलेट एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज तो इसके लिए सेक्शन है आपका ट्वेंटी फोर क्लियर अब इसको पढ़ लेते हैं ये क्या कहता है दैट इश्यू एंड ट्रांसफर सिक्योरिटीज एंड नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाई लिस्टेड कंपनीज और दो कंपनीज विच इंटेंड टू गो देर सिक्योरिटीज लिस्टेड और एनी रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया तो सबसे पहली बात आपने क्या याद रखनी है की जो सेबी है ठीक है उस वो उनके लिए ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं क्लियर और इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट यहां पे एक्स्ट्रा क्या हमें मिला है नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड अब डिविडेंड क्या होता है ये हमने बहुत डिटेल में आपकी क्लासेस में करा है जो आप जो बच्चों ने लिए हैं हमारी पेड क्लासेस बट आपको थोड़ा सा बता देती हूँ जब शेयर्स आप लेते हो ठीक है और कंपनी को कुछ प्रॉफिट हो रहा है ठीक है तो सारे उन्होंने क्या करना है अपने जो भी उनके एक्सपेंडिचर्स वगैरह थे वो कट ऑफ करके उसकी भी सारी लिस्ट है कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने उसमें से माइनस करके जो प्रॉफिट के अमाउंट होती है वो डिवाइड करनी होती है अपने शेयर होल्डर्स के बीच में क्लियर उसे हम बोल देते हैं डिविडेंड और सेबी ने क्या करना है कि कैसे जो भी इसकी नहीं कर रहे, आपको प्रॉफिट हुआ था एंड यू आर सपोज देखो डिविडेंड आप ऐसे शेयर होल्डर्स मांग नहीं सकते हाँ अगर कंपनी ने उसको डिस्क्लोज कर दिया डिविडेंड को तब आपके पास राइट आ जाता है कि आप उस कंपनी से अपना डिविडेंड शेयर मांग सकते हो क्लियर ये आप सारा डिटेल्ड हमने पढ़ा हुआ है अभी के लिए आपने क्या याद रखना है इसके अलावा अलावा अगर कोई कंपनी अपनी नॉन पेमेंट नहीं करती डिविडेंड की उसके ऊपर भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है उसके अलावा और क्या चीजें हैं जो सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं किसी और रेकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में उनको जैसे बी है क्लियर <laughs> ये सब कौन आपका देखता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज सी एज सच आपका प्रॉपर अभी सेबी एक्ट सिलेबस में नहीं है बट सेबी की गाइडलाइंस कहीं के ना कहीं मैंशनड है ठीक है और ये सब इंटर रिलेटेड है कंपनीज एक्ट आप कर रहे हो तो फॉर श्योर आपको सेबी की गाइडलाइंस जो भी जहाँ भी एक्ट आपका सेक्शन पूछ रहा है आपको पता होनी चाहिए जैसे ये आपका सेक्शन है ये आप पे सेबी की गाइडलाइंस की बात कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए सेक्शन ट्वेंटी फोर है जो ये वाली चीज की बात करता है तो अगर आपके क्वेश्चन में आ गया कि सेक्शन ट्वेंटी कौन कौन सी चीजों की बात करता है रेगुलेट इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंट बाय द लिस्टेड कंपनीज और कंपनीज विच इंटेंड टू गेट सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एनी रेकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इज दैट क्लियर टू यू ऑल चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हाँ जी अब शेल्फ प्रोस्पेक्टस का कौन सा सेक्शन है कहते हैं विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट इज रिलेटेड टू द इशू ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस सबसे पहले प्रोस्पेक्टस क्या है प्रोस्पेक्टस जैसे आपने अपने स्कूल्स में देखा होगा मिलता है ना तो ऐसे जब आप शेयर होल्डर्स को दिखाने के लिए कौन कौन क्या है हमारी कंपनी के क्या एसेट्स हैं ऑल देट सो दैट वो उसमें अपना कैपिटल या फिर आपको उस कंपनी को वहाँ पे कैपिटल गेन मिले या फिर वो अपना उसमें पैसा लगाएं तो उनको बताने के लिए कि ये ये हमारा <laughs> कंपनी चीजें देखती है करती है तो उसमें प्रोस्पेक्टस कह देते हैं आपको जनरल वे में जस्ट एक लेआउट बता रही हूँ अब प्रोस्पेक्टस भी आगे आपका कितनी तरह का है शेल्फ प्रोस्पेक्ट अबरिस्ड प्रोस्पेक्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट क्लियर सो so, कहीं ना कहीं उसमें से क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे पेपर में से अभी एक ये क्वेश्चन तो इजी है तो हम इस क्लास में ये भी पढ़ेंगे कि शेल्फ प्रोस्पेक्ट होता क्या है एब्रिज क्या होता है रेड हेयरिंग क्या होता है अभी के लिए इसका सेक्शन देख लेते हैं दैट इज सेक्शन थर्टी वन जिसमें सारी प्रोविजंस बता रखी हैं कि कैसे अगर आपने शेल्फ प्रोस्पेक्ट्स को इशू करा है उसके रिगार्डिंग जो जो भी प्रोविजंस रहेंगी वो कौन से सेक्शन में है सेक्शन थर्टी वन क्लियर थोड़ा सा शेल्फ प्रोस्पेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज अ रेगुलेटरी अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट ये बात आपने याद रखनी रेगुलेटरी यानी कि इट हैज बीन रेगुलेटेड एंड इट इज अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट क्लियर ऐसे नहीं कि कंपनी ने अपनी तरफ से लगा दिया रजिस्टरार ऑफ कंपनीज के पास ये किया था उन्होंने अप्रूव करा है क्लियर अभी क्या होता है इनको छ महीने के बाद जैसे भी टाइम फ्रेम रखा है हर बार जो है प्रोस्पेक्ट इशू करना पड़ता है ताकि लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करें और उनकी सिक्योरिटी वो ऑफर करते हैं तो शेल्फ प्रोस्पेक्ट क्या है इसमें मल्टीपल ऑफरिंग्स होते हैं हम कई बार कहते थिंग लाइन अप ठीक है तो लाइन अप से आप इसको याद रख सकते हैं इसमें क्या होगा मल्टीपल सिक्योरिटीज ऑफरिंग रहेगी क्लियर ओवर अ पीरियड कुछ टाइम फ्रेम वो बता देंगे अ शेल्फ प्रोस्पेक्टिस इज अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट वैलिड फॉर अप टू थ्री इयर्स टाइम फ्रेम भी इसमें पता चल गया आपको थ्री इयर्स उसके बाद स्ट्रीम लाइनिंग दशू ऑफ न्यूशियस लार्ज कॉर्पोरेशन यूज रेडिल अवेलेबल फॉर अपॉर्चुनिस्टिक एक्सपेंशन यहां से अगर आपको आ गया क्वेश्चन की लार्ज कॉरपोरेशन कौन सा प्रोस्पेक्टर्स मोस्टली यूज करते हैं द आंसर विल बी देल्फ प्रोस्पेक्ट वाई बिकॉज इट गिव यू मल्टीपल सिक्योरिटीज ऑफ क्लियर आगे चलते हैं अ कंपनी प्रपोजिंग टू इश्यू रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट शेल फाइल एट विद द रजिस्टर एट लीस्ट डेज प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट एंड द ऑफर कहते हैं रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट कितने दिनों के अंदर अंदर आपको रजिस्टरार के साथ जो है फाइलअप करना पड़ेगा कितना डेज उसका प्रायर होना चाहिए जब आप लोगों के लिए उसकी सब्सक्रिप्शन ओपन कर रहे हो ठीक है आपने लोगों के लिए सब्सक्रिप्शन ओपन ओपन करनी है ठीक है बट आपने अपना रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस डालना है लोगों के लिए ठीक है और वो कहते उसको आपने कितने टाइम पहले रजिस्ट्रार के साथ फाइल अप कराना है रजिस्टर करवाना है इसका क्या आंसर रहेगा इसका आंसर रहेगा थ्री थ्री डेज प्रायर

कंपनी के इंपॉर्टेंट डिटेल्स उसमें रहेंगी डायरेक्टर कौन है या इन्वेस्टर्स कौन है एंड ऑल दैट बट उसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि उसमें जो पब्लिक ऑफरिंग के लिए कितने शेयर्स डाल रहे हो ठीक है या फिर कितने शेयर्स आप सेल के लिए ऑफर कर रहे हो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कितनी रहेगी बाद में कितनी रहेगी ये सब चीज़ें उसमें मैंशन नहीं रहती क्लियर तो दिस प्रोस्पेक्टस दिस काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टस इज नोन एज द रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट अभी हमने शेल्फ़ वाला पढ़ा था उसमें क्या था लाइंड अप होती हैं चीज़ें यानी कि मल्टीपल ऑफरिंग्स होती हैं इसमें क्या है इंपॉर्टेंट कंपनी की डिटेल्स रहेंगी पर ज़रूरी नहीं है जो स्पेसिफिक जो नंबर ऑफ शेयर्स जो पब्लिक ऑफरिंग के लिए रखने हैं उन्होंने वो वहाँ पर वो डिस्क्लोज करें या ना करें मतलब वो मोस्टली नहीं करते ठीक है दैट इज़ वाई अब बस आपने फटाफट -फड़ वो प्रोस्पेक्ट मार्केट में लेके आना है उसकी सब्सक्रिप्शन ओपन करने के लिए ठीक है दैट इज़ वाई वो इसका नाम रेड हेयरिंग है और इसको तीन दिन के अंदर अंदर आपने जो है मतलब प्राय तीन दिन के पहले पहले आपका ये फाइल हो जाना चाहिए रजिस्ट्रार के पास अब इसको याद करने के लिए कैसे याद रख सकते हो वन टू थ्री थ्री डेज प्रायर रेड से याद रख लेना ठीक है शेल्फ भी मैंने आपको शॉर्ट करके समझा दिया रेड भी बता दिया अब याद रखने की ड्यूटी आपकी है हाँ जी अ कंपनी फाइलिंग शेल्फ प्रोस्पेक्टेज शेल बी रिक्वायर्ड टू फाइल एंड डैश what अब जो कंपनी है ठीक है अब शेल्फ प्रोस्पेक्ट तो फाइल कर रही है उसके साथ साथ वो रजिस्टर आर ऑफ़ कंपनीज के पास और चीज क्या देगी इंफॉर्मेशन <coughs> आर्टिकल कुछ भी नहीं होता कंपनीज लॉ में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है आर्टिकल ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है क्लियर सो so, एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम भी होता है सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं कंपनी को रजिस्टर करने के लिए ये आपको चीजें याद रखनी है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस और हम जो क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं वो प्रोस्पेक्टस के काइंड्स के ऊपर पढ़ रहे हैं और ये क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी अगर जो शेल्फ प्रोस्पेक्टर्स दे रही है उसको साथ में क्या फ़ाइल करना पड़ेगा आंसर विल बी ए इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ठीक है उसको रिक्वायर है कि वो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बताए कि उसमें क्या क्या मटेरियल्स हैं क्या फैक्ट्स हैं क्योंकि उसमें जो है मल्टीपल ऑफरिंग्स रहेंगी तो वहाँ पे उनकी ड्यूटी बन जाती है कि जो भी इंफॉर्मेशन है एज सच इम्पॉर्टेंट एज वेल एज द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स वो भी उनको उस वक्त जो है डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी clear a document hai, information memorandum which is created by a company to provide the potential investors with information about the company its investment opportunity it is typically used in private placements or private fundraising so ki where it is particularly used or typically used तो आंसर विल बी प्राइवेट प्लेसमेंट्स और प्राइवेट फंड रेसिंग या क्वेश्चन आ गया प्राइवेट फंड रेसिंग के लिए या प्राइवेट प्लेसमेंट्स के लिए कौन सा प्रोस्पेक्टस लगाते हैं आंसर विल बी शेल प्रोस्पेक्ट के साथ कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए आंसर विल बी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम सी वर्ड खुद ही बता रहा है कि इसमें क्या होगा इन्फॉर्मेशन होगी कंपनी की जितनी देर तक वो अच्छे से उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं बताएंगे कोई इन्वेस्टर क्यों उसमें इन्वेस्ट करेगा क्लियर that is why such documents become one of the important part of the company <clears throat> yes if a company want to issue securities in stages which type of prospectus it must issue yes as a question asked a company ne stages mein prospectus in stages. तो वो कौन सा प्रोस्पेक्ट दें रेड हेयरिंग दें डीम्ड प्रोस्पेक्ट दें शेल्फ के ब्रिज्ड देंट दें अभी तो आपने सिर्फ शेल्फ और रेड हेयरिंग पढ़ा है शेल्फ प्रोस्पेक्ट <coughs> क्यों शेल्फ प्रोस्पेक्ट मीन अ प्रोस्पेक्ट इन रिस्पेक्ट सिक्योरिटीज और क्लास ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडेड फॉर सब्सक्रिप्शन इन वन और मोर इशूज over a certain period without the issue of further prospectus. So, एक prospectus है ठीक है इसमें ही आपने securities को stages में करना होता है shelf पे मैंने बताया ना lined up है लाइंड अप है इशू सिक्योरिटी stages में है एक बार में ही मल्टीपल offerings हैं टाइम फ्रेम कई बार ही होता है कि इस टाइम पर इतनी अगली ऑफरिंग भी उसी में लिखी होती है कि आप इस टाइम इस पे इस तब इन्वेस्ट कर सकते हो तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के है आंसर वही के वहीं समय लग गया था जब मैंने आपको स्टेजेस बताई तो आपको समय लग गया होगा कि ये तो मैम शेल्फ बना रही है, है ना तो इसका आंसर आपका शेल्फ प्रोस्पेक्टस रहेगा यस व्हाट वैलिडिटी पीरियड दिस इज वन विच शेल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट ऑफर अंडर द प्रोस्पेक्टस सो बेसिकली जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस है वो टोटल तो जैसे मर्जी जा सकता है बट अगर शेल्फ प्रोस्पेक्टर्स आपका आया है तो वैलिडिटी क्या रहेगी एक साल तक रहेगी जब वो ओपन हुआ है ठीक है ओपन जब हुआ था उसके एक साल के अंदर अंदर ही उसकी वैलिडिटी रहेगी डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट ऑफर यहाँ पे ये बात आपको याद रखनी है बिकॉज इसमें मल्टीपल ऑफर्स होते हैं दैट इज वाई जो लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था बच्चे लेट मी मूव यस डिटेल डॉक्यूमेंट ठीक है वैलिड अप टू थ्री ईयर्स क्यों थ्री ईयर्स बिकॉज उसमें मल्टीपल ऑफरिंग्स रहती हैं। अब यहां पे जो आपका क्वेश्चन बात कर रहा है फर्स्ट <coughs> ऑफर आपने बताना है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं हुआ है ना कि और यहाँ पे थ्री इयर्स भी मेंशन नहीं है जब आपका फर्स्ट ऑफर देखो इसमें मल्टीपल ऑफर्स है आपने ये बात समझनी है उसकी वैलिडिटी आपने वन ईयर से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी सिक्स मंथ्स एट मंथ्स कुछ भी रखो फिर उसके बाद आपको सेकेंड ऑफर लाना होता है ठीक है अदरवाइज ये तो लोग यही करते रहेंगे क्योंकि उनको होगा कि बारी बारी कौन प्रोस्पेक्टर्स बनाए तो हम शेल्फ प्रोस्पेक्टर्स ही रख देते हैं टाइम भी बचता है हाइम लिमिट दे रखी है वेलिडिटी दे रखी है स्पेशली मैंशन करा हुआ है कि फर्स्ट ऑफर से इज दैट क्लियर आई होप यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्लियर जी विच अमंग प्रोस्पेक्टर्स इज इशूड बाई द कंपनी प्रायर टू द इशू ऑफ द एक्चुअल प्रोस्पेक्ट कहते कौन सा इसमें से, इस से प्रोस्पेक्टर्स है जो कंपनी प्रायर करती है एक्चुअल प्रोस्पेक्टर्स से आने से पहले Shelf deemed red herring. <coughs> देखो इसमें yes, red herring रहे इसमें रहेगा क्योंकि क्या होता है आपका इसमें डिटेलिंग होगी बट इसमें जो आपकी सिक्योरिटीज uh, या इशूइंग होगी इनिशियल ऑफर रहेगा वो जरूरी नहीं है कि वो रखें तो मोस्टली वो एक्सक्लूडेड ही होता है ठीक है तो ये एक ऐसा प्रोस्पेक्टस है जो वो पहले फटाफट लगा देंगे जिसमें कंपनी के सारे डिटेल्स रख देंगे उसके बाद वो मेन प्रोस्पेक्टस को जो होगा एक्चुअल प्रोस्पेक्टस होगा उसको लागू कर देंगे शेल्फ तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि ये तो अपने आप में ही ऑफरिंग लेके आता है अभी आपने जो लोग ब्रिज डॉट डीम नहीं पढ़े वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़ लेंगे ठीक है

समझ आई ये बात लिंक समझ आया कि क्यों ये पहले कर सकते हैं एक्चुअल से से आने से पहले चलो जी आगे आ जाओ शेल्फ प्रोस्पेक्टर्स ये तो हमने पढ़ लिया है इट इज अ मल्टीपल ऑफरिंग्स रेड प्रिलिमिनरी प्रोस्पेक्टर्सिमरीपेक्टर्स इट इज अ प्रमिनरी आपको वर्ड से भी समझ लग गया होगा विथ डिटेल्स अबाउट एन अपकमिंग पब्लिक ऑफरिंग लैकिंग स्पेसिफिक प्राइजिंग इन्फॉर्मेशन और फाइनल प्रोस्पेक्टर्स आपका क्या रहता है जहाँ पे इन्होंने एक्चुअल प्रोस्पेक्ट की बात करी है उसको हम फाइनल प्रोस्पेक्ट भी बोल सकते हैं जहाँ पे फाइनल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी डिटेल्स प्राइसिंग रहती है क्या नेशनल पब्लिक ऑफर के शेयर्स के लिए क्या नंबर रहेंगे पब्लिक को हमने कितने शेयर्स देने हैं क्या उसकी प्राइजिंग रखनी है क्लियर वो आपको उनको कंपनीज को एक्चुअल प्रोस्पेक्ट में चीजें बतानी पड़ती हैं रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टर्स इज यू जस्ट अ प्रीलिमिनरी प्रॉस्पेक्ट्स ये भी आपको वर्ड याद रखना है ठीक है और जो बच्चे देखो थोड़ा सा टफ है कंपनीज एक्ट कुछ नहीं करके जा रहे तो ये वाली क्लासेस से कुछ कुछ पढ़ के चले जाओ इस तो इनमें से कुछ क्वेश्चन आ गया यू विल बी एबल टू डू इज दैट क्लियर या अमंग द फॉलोइंग कंटेन साइलेंट फीचर्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टर्स इज अ ब्रीफ वर्जन ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेन इन द प्रोस्पेक्ट सिर्फ कहते ब्रीफ इंफॉर्मेशन है आंसर इज अ ब्रीफ है याद रखना अ मेमोरेंडम कंटेनिंग सच साइलेंट फीचर्स ऑफ अ प्रोस्पेक्ट इट एम्स टू समराइज द फुलशरिंग द इनक्लूजन ऑफ क्रूशियल डिटेल्स विच इज मैंडेटेड बाई से विदाउटिंग एनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सो बेसिकली आपका एवरेस्ड प्रोस्पेक्टर्स एक ऐसा प्रोस्पेक्ट है जो सारे इम्पॉर्टेंट फीचर्स को कवर करता है और ब्रीफली सारी इंफॉर्मेशन को उसमें बता देता है और दैट प्रोस्पेक्ट शुड बी इन रेगुलेशन विद द सेबीज गाइडलाइंस क्लियर सो अगर आपके एग्जाम में आ गया ब्रिज प्रोस्पेक्ट्स किसे कहते हैं जिसमें साइलेंट फीचर्स होती हैं ये मेन मेन चीजें इसमें सारी कवर करी जाती हैं जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो भी कवर करी जाती हैं और स्पेशली वो डिटेल्स जो सेबी ने मैंडेट यानी कि सेबी ने बोला है कि कंपल्सरी आपको ये शो करनी है क्लियर और कोई भी वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छोड़ नहीं सकते क्लियर आगे चलते हैं रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट का कौन सा सेक्शन है थर्टी <coughs> टू होता है क्लियर ये तो हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में अगला विच अमंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट देखो बारी बारी रेड हेयरिंग शेल्फ क्यों है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके ठीक है कभी भी भी आप देखना पेपर्स में से ब्रिस्ड भी पूछ लेते हैं चलो बट रेड हेयरिंग शेल्फ पे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं क्लियर इशू प्राइस नंबर ऑफ शेयर ऑफर डिटेल्स ऑफ कंपनी सो नॉट इंक्लूडेड क्या रहता है एक्सक्लूड क्या रहता है ये तो होता ही होता है डिटेल्स ऑफ कंपनी तो क्या नहीं होगा वहां पे इशू प्राइस भी नहीं बताना होता नंबर ऑफ शेयर्स भी ऑफर्ड नहीं होता आंसर भी बोथ वन एंड टू क्लियर जी आगे आ जाइए विसल ब्लोअर का क्वेश्चन आ गया है आपका टेंशन टू रॉन्ग डूंग फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इन विच दे वर्क टू हाईलाइट अब दैट थ्रेटर्स द डैश सो विस कौन होते हैं सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गलत हो रहा है इस विसल ब्लोइंग पहली दो किस्म की होती है ये आपने याद रखना है इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्लियर और ये एक तरह की विस्थल जैसे हम ब्लो करते हैं टेंशन नहीं ड्रॉ करते ये एक तरह की वही होती है एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अगर डूइंग हो रही है तो उसके बारे में आप जाके बता दीजिए को हाईलाइट कर दीजिए तो किसको द वर्क टू हाईलाइट अब्यूज दैट थ्रेटन्स द एम्प्लॉयर इम्प्लॉइज पब्लिक या गवर्नमेंट तो इसका आंसर रहता है पब्लिक देख लेते हैं, हाँ जी पब्लिक विसल ब्लोइंग द एक्टिविटी ऑफ अ पर्सन ऑफ एन एन एम्प्लॉय रिवीलिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्टिविटी विद इन द प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डीम्ड इलीगल इमोरल इलिसेंट अनसे अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसा हो रहा है ठीक है जो पब्लिक डोमेन के लिए गलत है आप उसकी जाके बता दो अपने सीनियर्स को तो दैट इज़ द विसल ब्लोइंग इंटरनल कैसे होती है जब आप अंदर ही अंदर आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन में बता दो जब आप बाहर बता दो ठीक है तो उसको एक्सटर्नल बोल देते हैं क्लियर आगे आ जाइए विसल ब्लोइंग इज सीन बाय सुपीरियर्स एज वॉयेशन ऑफ लॉयल्टी एंड एज अ और एन एक्सनोरेशन कमेंडेशन एक्विजिशन इक्विटल देखो जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो ये माना जाता है कि आप हमारे लिए सिंसियर हो लॉयल हो ठीक है और विसल ब्लोइंग जो superior, जो सुपीरियर आपके हेड है आप उनके पास जाके बता रहे हो कि ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जी ये तो उनके लिए ये वो कैसे देखते हैं इस चीज को कि आपने अपनी लॉयल्टी का वॉयलेशन करा है उसके साथ साथ क्या दूसरे पे जब आप इल्ज़ाम लगाते हो उसको क्या बोलते हैं एकविटल पता क्या होता है इक्विटल होता है जब आप का कोई केस है उसमें अगर आप बरी हो गए तो अगर आप बरी नहीं हुए तो कन्विक्ट कमेंडेशन एक्सपलोरेशन ये भी लॉ के टर्म्स हैं बट यहाँ पे एक मतलब आप किसी पे इल्जाम लगाने को एक्जेशन बोलते हैं और यही इसका आंसर है आप चीज को समझिए क्लियर एक्सप्लोरेशन और कमेंडेशन वगैरह क्या होती है एक्सप्लोनेशन डराना तो धमकाना होता है ठीक है उसके बाद <coughs> विसर्ब लोअर इज़ अ प परसन पब्लिकली कम्प्लेन पब्लिक वर्ड आ गया ना कंसील्ड मिसकंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और अ बॉडी ऑफ पीपल यूजली फ्रॉम विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन तो ए अ पर्सन इज़ वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ एक्स वाई जी तो ये अपने बॉस बी को एक्स वाई जी की एक्टिविटी के बारे में जब बताता है कि ये ये हो रहा है तो तो बी को क्या लगता है कि ये तो मेरा ही एम्प्लॉय है और मान लीजिए उसको भी पता था उसको लगेगा कि मेरे को आगे बता रहा है सो इट इज़ अ वायलेशन ऑफ द लॉयल्टी या कुछ भी गलत काम कुछ टैक्सेस की चोरी हो रही है या कुछ और फ्रॉड एंड एक्टिविटी हो रही है ठीक है और ए को लगता है कि गलत हो रहा है होना नहीं चाहिए ठीक है आगे या फिर कोई और फर्म है उनको पैसा खिलाया जा रहा है ताकि ऐसा ऐसा काम हो जाए तो इस चीज को जब आप जाके कंप्लेन करते हो बताते हो टेंशन में लेके आते हो उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं ब्लोइंग क्लियर आगे आ जाइए अ विसल ब्लोअर शुड फर्स्ट एक्सप्लोर सोल्यूशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू मिनिमाइज द देशन ब्रीच ऑफ लॉयल्टी एक्यूरेसी ऑफ द क्लेम थ्रेट टू द पब्लिक तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो विसल ब्लोअर है जो कंप्लेंट कर रहा है सबसे पहले उसको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए कौन सा सोल्यूशन करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में ताकि ये चीजें मिनिमाइज हो सकें आरोप जो लॉयल्टी की ब्रीच है वो या फिर जो क्लेम लगा रहा है उसकी एक्यूरेसी या थ्रेट टू पब्लिक क्या रहेगा इसका आंसर इसका आंसर रहेगा ब्रीच ऑफ लॉयल्टी क्योंकि सीनियर्स क्या समझते हैं इसमें कि आप लॉयल्टी की ब्रीच कर रहे हो तो so, तो सबसे पहले उसके उसके पास पास हो हो ही ना ताकि उसके पास जब प्रूफ होंगे कि वाकई में ये चीज रही है तो वहाँ पे का कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाएगा क्लियर आगे चलते हैं पब्लिकली कंप्लेन concealed मिसकंडक्ट ये तो हमने पढ़ दिया। मिसकंडक्ट में भी क्लासिफाइड इन मेनी वेज फॉर एग्जाम्पल अ वॉयलेशन ऑफ लॉ रूल रेगुलेशन और अ डरेक्ट थ्रेट टू द पब्लिक इंटरेस्ट सच एज फ्रॉड हेल्थ सेफ्टी ये एक तरह के एग्जाम्पल्स हैं जिसमें जिसको आप विस्टर ब्लोइंग के मिसकंडक्ट बोल दोगे ठीक है तो आ सकता है कि कौन कौन से मिसकंडक्ट्स के ऊपर आप विस्टर ब्लो कर सकते हो सबसे पहले जब किसी ने आपके ऑर्गेनाइजेशन में वायोलेट करा है लॉ दूसरा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन वायोलेट करे हैं या फिर को पब्लिक को डायरेक्ट थ्रेट दिया है क्लियर या फिर कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करी है या फिर कोई हेल्थ और सेफ्टी को लेके वायलेशंस करी हैं पता था कि ये चीज़ नहीं चल रही किसी इंडस्ट्री में और उसको ठीक नहीं करवाया फिर भी लेबर्स को वहाँ पे काम करने भेज दिया पता है वहाँ एक्सीडेंट कॉज हो सकता है तो वहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी वायलेशंस या कोई करप्शन कर रहा है जानबूझ के गलत रिपोर्ट पैसे लेके बना रहे हैं क्लियर तो इस चीज को हम किस चीज के अंडर कवर करते हैं मिसकंडक्ट वर्ड के अंडर कवर करते हैं क्लियर जी बिफोर स्पीकिंग आउट अ विसल ब्लोअर मस्ट मेक श्योर द रेवलेशन बेस्ड ऑन एक्यूरेसी इन डाइसेंट बायस इन जजमेंट फेयरनेस इन बोथ ए एंड सी देखिए अब विसल ब्लोअर है जो अटेंशन देने जा रहा है विसल विसल ब्लोअर ब्लोअर बेसिकली सबसे पहले ये समझो होता कौन है जो जाके कंप्लेंट करेगा कि जो भी काम गलत हो रहा है उसके बारे में तो कहते हैं सबसे पहले उसको कौन कौन सी चीजों के लिए श्योर होना चाहिए कि जो भी वो रिवील कर रहा है ठीक है क्या उसकी बात में दम है एक्यूरेसी इन डाइसेंट ये आ जाएगा बायस इन जजमेंट नहीं आएगा क्यों मान लो मेरे को किसी से प्रॉब्लम है मैं जान के उसकी बायसनेस में जजमेंट ले आऊँ कि वो तो करता ही गलत काम है जान के तो ये चीज नहीं होनी चाहिए वाकई में अगर आप कुछ रिवील कर रहे हो कुछ चीज बिस्कंडक्ट बता रहे हो वो एक्ट होनी चाहिए वो फेयर आपका जो इल्ज़ाम है वो फेयर होना चाहिए वाकई में वो बंदा जो है ऐसा काम कर रहा हो क्लियर सो बायसनेस यानी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए फेयरनेस इन एक्विजिशन सो आंसर विल बी बोथ भी बहुत एक बार देख भी लेते हैं Yes. Whistleblowers perform an important service by reporting what they reasonably believe to be the evidence of waste, fraud, abuse, or mismanagement, and that should be accurate and fair enough to reveal the misconduct. Clear ji? In complex cases, a whistleblower must weigh the benefits to Dash with the risk of personal harm. Complex organization

वे द बेनिफिट टू होम किसको देना चाहिए बताओ थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है इन केसेस अ कम्पलेक्सलोर मस्ट वे द बेनिफिट टू डैश विद द रिस्क ऑफ पर्सनल हार्म आंसर रहेगा द पब्लिक द पब्लिक है विसल ब्लोर मस्ट वे द बेनिफिट टू द पब्लिक विद द रिस्क ऑफ पर्सनल मतलब यानी कि आपको पता है कि पब्लिक को इस चीज में ज्यादा नुकसान होएगा हेल्थ हैजर्ड्स हैं कुछ और चीज़ हो रही है फ्रॉड हो रहा है उनके साथ ठीक है जानबूझ बुझ के शेयर ऐसे जबकि कंपनी की उतनी कैपिटल गेन या वैल्यू है ही नहीं तो उस चीज में क्या कर रहे हो आप बेनिफिट किसका देखोगे कहते हैं पब्लिक का देखोगे नो डॉल आपको पता है मेरा देखो इसके ना कुछ रिस्क होते हैं वैसे ब्लो के अगर आप ऐसे इंटरनल कंप्लेंट एक्सटर्नल कंप्लेंट कर रहे हो तो क्या होगा कई बार क्या होता है आपको निकाल दिया जाता है ठीक है तो इस केसेस में चलते हुए लोग रिस्क फैक्टर को देखते हुए कंप्लेंट नहीं करते बट अब बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए हैं जिसमें आपकी जॉब सिक्योरिटी रहती है क्लियर सो यहाँ उन्होंने क्या बोला है कि आपको क्या करना है मे मस्ट वे द बेनिफिट टू पब्लिक विद द रिस्क ऑफ अगर आपको पर्सनल हार्म हो रहा है फिर भी आप एक बारी पब्लिक का सोच के विसर ब्लॉक करिए

उसके बाद इन एडिशन पीपल आर मोर लाइकली टू टेक एक्शन विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर विद एन ऑर्गेनाइजेशन इफ़ देयर आर कंप्लेंट सिस्टम्स दैट इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इनडमिनिटी सो कई बार कुछ ऐसी कंप्लेंट्स भी रहती हैं जो इंटरनल कंप्लेंट होती हैं कमिटीज वो कह देती हैं कि ठीक है हम पहली बात आपकी आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे दूसरा इनडानेटी क्या होता है अगर आपको इससे कुछ लॉस हुआ तो हम आपको पे करेंगे यू विल नॉट सफर वी विल पे यू फॉर दैट सो दिस इज वॉट इंडेमिनिटी डैमिनिटी मीन्स कॉन्ट्रैक्ट में आपने पढ़ा भी है स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी डेमिनिटी वी आद अदर पर्सन गरंटीज गरंटी जबकि लग से भी एक कॉन्ट्रैक्ट है बट समझने के लिए दैट पर्सन से कि आई विल पे यू फॉर योर लॉस क्लियर सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इन सब केसेस में क्या होता है एक कमेटी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहते हैं कोई नहीं बताइए हम आपका नाम एक तो कॉन्फिडेंशियल रखेंगे और कोई भी अगर आपको इस चक्कर में कुछ लॉसेस इनकर करने पड़े तो वी विल पे फॉर इट क्लियर सो विसोज अप करप्शन एंड फ्रॉड इन ऑर्गेनाइजेशन बाई फाइलिंग अ लॉ सूट और कंप्लेंट विद द गवर्नमेंट अथॉरिटीज या फिर क्या करते हैं गवर्नमेंट को जब अथॉरिटीज़ को उन्होंने कंप्लेंट करी तो वहाँ पे इंटरनल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है विजिलेंस एक बार चिट्ठियाँ वगैरह आ जाती है, वो इसी चक्कर में आती हैं तो किसी अंदर के बंदे ने ही विसल ब्लो करी होती है यानी कि उन्होंने बताया होता है एक्सपोज कराता है कि ये चीज़ करप्शन हो रही है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में

शॉर्ट एंड सिंपल बट हमने प्रोस्पेक्ट एंड विस्ल ब्लोअर का टॉपिक जो है अच्छे से कर लिया है क्लियर सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम